हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां पर महिलाओं की जगह पुरुषों को विदाई दी जाती है और यहां शादी के बाद पुरुष अपनी पत्नी का सरनेम अपनाते हैं। एक ऐसी जगह जिसे पाकिस्तान ने अपने कब्जे में करने की कोशिश की। ये जगह अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहां साफ नीला पानी और समुद्र तट पर बिछी हुई चमकती हुई सफेद रेत हर साल लाखों सैलानियों को आकर्षित करते हैं। क्या आप अंदाजा लगा पाए हम किस जगह की बात कर रहे हैं। ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अब शायद आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप के बारे में। आपको बता दें कि लक्षद्वीप हमेशा से ही भारत का हिस्सा नहीं था, तो फिर ये भारत में कब और कैसे शामिल हुआ और लक्षद्वीप का कल्चर और इतिहास क्या है। क्यों बड़ी संख्या में सैलानी यहां आना पसंद करते हैं। इस आइलैंड पे कौन कौन सी जगह आप घूमने जा सकते हैं। इन सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बता दें कि कवरत्ती आइलैंड लक्षद्वीप की राजधानी है और यहां के सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से भी एक है। यहां पर बैठकर आप प्रकृति के खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं। शांत वातावरण के बीच समुद्र के पानी की लहरों की आवाज आपको अलग ही दुनिया में होने का एहसास कराएगी। यहाँ चारों तरफ खूबसूरत नारियल के पेड़ देखने को मिलेंगे। लक्षद्वीप संस्कृत और मलयालम भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका मतलब होता है एक लाख द्वीप, यानी ये आइलैंड कई सारे द्वीपों से मिलकर बना है। लक्षद्वीप असल में 36 आइलैंड्स का एक समूह है, लेकिन इनमें से सिर्फ 10 आइलैंड्स पे ही लोग रहते हैं और बाकी आइलैंड्स पूरी तरह से वीरान पड़े हुए हैं। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका कुल क्षेत्रफल मात्र 32.62 वर्ग किलोमीटर है, यानी आप कुछ दिन में पैदल ही ये पूरा द्वीप घूम सकते हैं। लक्षद्वीप की आबादी 65,000 के आसपास है। इस केंद्र शासित प्रदेश की ज्यादातर आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। एक आइलैंड होने के बावजूद लक्षद्वीप का लिटरेसी रेट काफी अच्छा है। यहाँ लगभग 92% लोग लिटरेट हैं। इतिहासकारों के मुताबिक एक समय पर लक्षद्वीप मालदीव्स का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक ये एक स्वतंत्र राज्य बना रहा। सन 1956 में लक्षद्वीप को भारत की सीमा के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसमें भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान अहम रहा था। लक्षद्वीप को पहले मिनिकॉय, लकडाइव और अमिनिडीवी आइलैंड के नाम से जाना जाता था। बाद में 1 नवंबर 1973 को इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया और तब से लेकर आज तक इसे लक्षद्वीप के नाम से ही जाना जाता है। लक्षद्वीप का इतिहास काफी पुराना है। कहा जाता है कि यहाँ पर लगभग 2200 सालों से लोग रह रहे हैं। वहीं 11वीं शताब्दी के दौरान चोला साम्राज्य द्वारा भी इस जगह पर शासन किया जा चुका है। मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के कारण पाकिस्तान ने काफी समय तक लक्षद्वीप को अपने अधीन करने की कोशिश भी की थी, लेकिन भारत के आगे उसकी एक न चल सके। दोस्तों अगर आप कुछ समय प्रकृति के नजदीक सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो लक्षद्वीप को अपने विश लिस्ट में जरूर शामिल करें। यह आइलैंड आपको पूरी तरह मालदीव्स का एहसास कराएगा। यानी कम बजट में मालदीव्स का आनंद लेना हो तो लक्षद्वीप आ सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के संग, दोस्तों के संग या फिर पार्टनर के साथ आ सकते हैं। आप चाहे किसी के भी साथ आएं, यहाँ आपको भरपूर मनोरंजन मिलेगा। शहर के शोर शराबे से दूर असली शांति का अनुभव होगा यहाँ पर, जहाँ आकर आप तनाव और कामधाम की टेंशन से कुछ समय के लिए ही सही लेकिन मुक्ति जरूर पालेंगे। लक्षद्वीप में आपको शानदार समुद्री तटों के अलावा हरे भरे जंगल, शानदार रिसॉर्ट्स और नारियल के पेड़ों से लेकर खूबसूरत कोरल रीफ्स आदि देखने को मिलेंगे। लक्षद्वीप में आप कई प्रकार के स्पोर्ट्स एडवेंचर का मजा ले सकते हैं। आपको अगर स्कूबा डाइविंग करना पसंद है तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया जगह है। आपको यहाँ बिल्कुल साफ पानी के अंदर बाहर से ही मछलियाँ तैरती हुई नजर आएंगे। साथ ही कई खूबसूरत मछलियों से लेकर समुद्री जीवों को उनको नेचुरल हैबिटेट में देखने का अनुभव बिल्कुल अलग ही होगा। इसके अलावा यहाँ पर काइट फ्लाइंग, बोटिंग, कायाकिंग, पैराग्लाइडिंग, मछली पकड़ने जैसी कई एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको भी एडवेंचर पसंद है तो लक्षद्वीप के लिए अभी से बैकपैक करना शुरू कर दीजिए। लक्षद्वीप के मूल निवासी ज्यादातर आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। केरल के नजदीक होने के कारण यहाँ पर केरल की संस्कृति और कल्चर का प्रभाव भी काफी देखने को मिलता है। केरल में मनाए जाने वाले त्योहार लक्षद्वीप में भी मनाए जाते हैं। साथ ही लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भी मलयालम ही है। बता दें कि लक्षद्वीप आइलैंड की अपनी कोई विधानसभा, कोर्ट या मुख्यमंत्री नहीं है। लक्षद्वीप का ज्यूरिसडिक्शन केरल कोर्ट के अंतर्गत ही आता है। साथ ही इस पूरे इलाके में सिर्फ एक सांसद है जो हर 5 साल में चुना जाता है। यहाँ का ज्यादातर काम ग्राम पंचायत द्वारा ही किया जाता है। हाल के समय में लक्षद्वीप में कुल 10 ग्राम पंचायत काम कर रहे हैं। यहाँ पर कुल 9 पुलिस स्टेशन और 2 पुलिस चौकी हैं, जिनमें लगभग 350 पुलिस कर्मचारी कार्यरत हैं। ये पुलिस कर्मचारी ज्यादातर यहाँ आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। जनसंख्या कम होने के कारण यहाँ मारपीट और मर्डर जैसे मामले बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर कृषि पर निर्भर करती है। नारियल के अलावा यहाँ पर इमली, बादाम और बीटल नट्स का भी उत्पादन होता है। यहाँ नारियल को प्रोसेस करके नारियल का तेल और नारियल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। लक्षद्वीप आने वाले तमाम सैलानी नारियल से बने ताजा प्रोडक्ट्स जरूर खरीदते हैं।
यहाँ आने के बाद अगर आपने नारियल से बनी चीजों की खरीदारी नहीं की तो समझो आपकी शॉपिंग अधूरी रह गई। कृषि के अलावा यहाँ पर मछली का कारोबार भी बड़े पैमाने पे किया जाता है और भारत के कई राज्यों में लक्षद्वीप से मछली की सप्लाई की जाती है। साल भर में लगभग 1,00,000 टन टूना मछलियों का व्यापार लक्षद्वीप आइलैंड के जरिए किया जाता है। इन सब के अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री भी यहाँ के लोगों की आय का एक मुख्य स्रोत बन गई है। आपको बता दें कि लक्षद्वीप में पहले शुक्रवार के दिन छुट्टी मनाई जाते थे क्योंकि शुक्रवार के जुमे की इस्लाम धर्म में काफी अहमियत है, लेकिन कुछ समय पहले ही देश और दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ पर छुट्टी शुक्रवार की जगह रविवार के दिन शिफ्ट कर दी गई। दोस्तों लक्षद्वीप की हवा इतनी साफ है कि यहाँ जाने के बाद आपका वापस आने का मन ही नहीं करेगा। शहरों से दूर ताजी हवा में कुछ पल बिताकर आपको पता चलेगा कि जिंदगी किसे कहते हैं और साफ हवा में सांस लेकर कितना अच्छा महसूस होता है। लक्षद्वीप के लोगों की दरिया दिली भी आपका दिल जीत लेंगे। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी में माहिर माने जाते हैं। अक्सर पीक सीजन में अलग अलग आइलैंड्स पे पर्यटकों के स्वागत का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भारतीय परंपरा के अनुसार सैलानियों का स्वागत किया जाता है। दोस्तों हम तो ऐसे ही जानते हैं कि विदाई के बाद लड़की लड़के के घर जाते हैं, या फिर अभी तक तो यही सुना था, सदियों से यही परंपरा चली आई है कि शादी के बाद लड़के के माता पिता अपनी बेटी की विदाई करते हैं और फिर उसे पूरी जिंदगी अपने पति के घर पे ही रहना होता है। लेकिन लक्षद्वीप में ये रिवाज नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर शादी के बाद लड़का अपने ससुराल जाता है और घर जमाई बन के रहता है। इतना ही नहीं, पत्नी का सरनेम भी लड़के को अडॉप्ट करना पड़ता है। अगर आप लक्षद्वीप जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ आप समुद्र मार्ग या फिर हवाई मार्ग के जरिए पहुँच सकते हैं। आपको भारत के सभी प्रमुख शहरों से अगाती एयरपोर्ट तक की सीधे उड़ान मिलेगी। सबसे ज्यादा उड़ान यहाँ कोरल के कोच्चि शहर से आते हैं। इसके अलावा अगर आप समुद्र मार्ग के जरिए लक्षद्वीप आना चाहते हैं तो भी कोच्चि शहर से ही आपको सुविधा मिलेगी। कोच्चि और लक्षद्वीप के तटों के बीच लगभग 400 किलोमीटर का फासला है और यहाँ तक का सफर तय करने का असली मजा शिप में ही आता है। शिप में आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगे। पूरे सफर के दौरान समुद्र के खूबसूरत नजारों का लुत्फ आप उठा सकते हैं। समुद्र के जरिए आप सबसे पहले अगाती आइलैंड पे ही कदम रखेंगे। अगाती आइलैंड इतना छोटा है कि आप चंद घंटों में पैदल ही घूम सकते हैं। यह आइलैंड 8 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस आइलैंड पे जाने के बाद यहाँ का लोकल फूड जरूर ट्राई करें। आपको यहाँ ड्राइड एंड स्मोक टूना का लाजवाब स्वाद मिलेगा और वेजिटेरियंस के लिए भी यहाँ कई लाजवाब पकवान मिलेंगे। मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप का एक और प्रमुख आइलैंड है। इस आइलैंड का मुख्य आकर्षण का केंद्र एक लाइट हाउस है जिसकी स्थापना सन 1885 में हुई थी। इस लाइट हाउस के ऊपर से आप पूरे लक्षद्वीप के खूबसूरत नजारे देख सकते हैं। साथ ही लाइट हाउस के ऊपर जो मीठी मीठी समुद्री हवा का एहसास होगा, उस आनंद को शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। मिनिकॉय आइलैंड को लक्षद्वीप की लोकल लैंग्वेज में मलिको भी कहा जाता है। ये पूरे आइलैंड का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। यहाँ पर आप सफेद रेत के बीच जमकर मौज मस्ती कर सकते हैं, साथ ही बोट राइडिंग का मजा भी आप मिनिकॉय आइलैंड पे ले सकते हैं। वैसे तो लक्षद्वीप के सभी आइलैंड्स पे सनसेट और सनराइज के खूबसूरत नजारे देखे जा सकते हैं, लेकिन जो बात बंगाराम आइलैंड की है वो अन्य किसी आइलैंड की नहीं है। पूरे लक्षद्वीप में सबसे खूबसूरत सनराइज और सनसेट का नजारा आपको इसी आइलैंड पे देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर स्कूबा डाइविंग के साथ साथ डॉल्फिन्स और अन्य मछलियों के साथ तैरने का मौका भी आपको मिलेगा। वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं तो कल्पेनी आइलैंड और कदमत आइलैंड को अपने विश लिस्ट में जरूर शामिल कीजिएगा। यहाँ पर आप स्कूबा डाइविंग से लेकर पैराग्लाइडिंग और कायाकिंग तक लगभग सभी प्रकार के एडवेंचर्स का मजा ले सकते हैं। अगर आप समुद्री जीवों और समुद्र की दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो लक्षद्वीप की राजधानी में स्थित कारावती आइलैंड पे बने मरीन म्यूजियम की सैर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर कई बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं जिनमें सैकड़ों प्रकार के समुद्री जीवों की प्रजाति देखने को मिलेगी। इनमें से कई प्रजातियाँ ऐसी हैं जो आपको लक्षद्वीप में तो क्या पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही समुद्र की गहराइयों में क्या क्या राज छिपे हैं, इन सब के बारे में भी इस म्यूजियम में आपको जानने का मौका मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीयों के लिए इस म्यूजियम का टिकट सिर्फ 15 रुपए का रखा गया है। लक्षद्वीप में एक अजीब नियम यह है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति यहाँ आकर जमीन नहीं खरीद सकता, सिर्फ लक्षद्वीप के लोगों को ही यहाँ पर जमीन खरीदने की अनुमति है और इस नियम को भारत सरकार ने भी मान्यता दे रखी है। लक्षद्वीप में वैसे तो कई आइलैंड्स हैं, लेकिन बंगाराम द्वीप के अलावा अन्य किसी भी आइलैंड पे शराब पीना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है और जुर्माना लगाया जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर कोई भी पर्यटक बिना कपड़ों के नहीं घूम सकता। अगर आप भारतीय हैं तो लक्षद्वीप के किसी भी आइलैंड पे घूमने जा सकते हैं, लेकिन विदेशी सैलानियों को यहाँ सिर्फ 3 ही द्वीपों पे जाने की अनुमति होती है। इससे ज्यादा द्वीप पे जाने के लिए कोच्चि या फिर लक्षद्वीप प्रशासन से अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर कराने होते हैं। हालांकि ये काम ज्यादातर टूरिस्ट गाइड्स आसानी से करा देते हैं। लक्षद्वीप क्योंकि भारत का ही एक हिस्सा है, इसलिए यहाँ जाने के लिए किसी भी प्रकार के वीजा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस
आइलैंड पे घूमने का खर्च लगभग 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति आएगा। इसमें आने जाने का किराया शामिल नहीं है। वैसे तो एरोप्लेन और जहाज दोनों ही माध्यम से लक्षद्वीप तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास समय है तो शिप के जरिए इस आइलैंड तक का सफर तय करें। साथ ही यहां जाने के लिए अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े जरूर लेकर जाएं, क्योंकि समय समय पर आपका मन समुद्र के साफ पानी में जाने का करेगा, जिसकी वजह से आपके कपड़े बार बार गीले हो जाएंगे। और साथ ही दोस्तों, आप सनग्लासेस ले जाना बिल्कुल ना भूलें। साफ पानी के साथ साथ कड़कती धूप भी आपका यहाँ स्वागत करेगी। हालांकि आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, लेकिन सफेद रेत से रिफ्लेक्ट होने के बाद सूरज की रोशनी जब आपकी आंखों में पड़ेगी तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगे, इसलिए सनग्लासेस जरूरी हैं। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत आइलैंड लक्षद्वीप। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप में से अगर कोई है लक्षद्वीप से तो हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमें बताएं कि आज के वीडियो में आपको लक्षद्वीप की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो लक्षद्वीप, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।